Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel am Quiz. I am ansi Verma, and in this section, we are to, we are going to cover the question C mind mapping, page number eight of class twelfth English paper. This paper set number is 0 one and it was held on fourth March 2022. All the sections I have already uploaded on my channel. This is question C second C mind mapping. Develop a mind mapping. Using your ideas and concepts to develop the develop the topic. Proper time management. तो इसमें आपको proper time management की जो है माइंड मैपिंग करनी है पहले आप माइंड मैपिंग क्या है ये जान लो माइंड मैपिंग की हेल्प से ना आप बहुत सारी चीजों को लॉन्ग टाइम तक माइंड में स्टोर करके रख सकते हो इसमें आप स्केच कलर पेंसिल लाइक द डायग्राम बना सकते हो फ्री बना सकते हो आप कोई भी अपनी फॉर्म यूज़ कर सकते हो कि किस तरीके से आप चीज़ों को नोट्स बना के याद रख सकते हो यूजिंग द टाइटल कनेक्ट योर थाट्स इस टाइटल को प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट की टाइटल को यूज़ करते हुए आपको अपने थाट्स को कनेक्ट करना है और ये प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट जो है ये चेंज होकर आएगा मतलब इस बार प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट आया है ट्वेंटी में तो ट्वेंटी में कोई और आ सकता है ट्वेंटी में कोई और आ सकता है यूज योर ओन डिजाइन आप अपना खुद का डिज़ाइन बना सकते हो ब्रांचिंग कर सकते हो कोई भी जनरल स्ट्रक्चर बना सकते हो जो भी आपको कंफर्टेबल हो आपको ठीक लगे ट्राई मेकिंग two-three मेन एंड two-three सब branches दो तीन मेन ब्रांच बनानी है आपको और दो तीन सब ब्रांचेस बनानी है वो कैसे बनानी है तो देख लेते हैं ये तीन नंबर का क्वेश्चन आएगा आपको पेपर में और ये ट्वेल्थ के पेपर के सेट नंबर J701 सेवन जीरो वन के पेज नंबर एट पे दिया गया है पेज नंबर एट पे सो लेट अस सी द सॉल्यूशन सी माइंड मैपिंग ये जो जिस पर भी आपको माइंड मैपिंग करनी है उसको आपको सेंटर में लिखना है प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के ऊपर हम कर रहे हैं तो ये हमने इसकी फोर ब्रांचेस बनाई है इस पर आप अपने तरीके से लिख सकते हो आप सोचो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट अगर आप करोगे तो उसका क्या 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 आपको बेनिफिट मिलेगा उससे आपको गुड रिजल्ट मिलेंगे इम्प्रूवमेंट होगा आपकी प्रोग्रेस होगी टाइम time... टाइम टेबल होगा यानी कि उसके बाद प्रॉपर प्लानिंग होगी अब देखो प्रॉपर प्लानिंग करके आप अब उसकी तीन सब ब्रांचेस बनानी है आपको यानी कि ये मेन ब्रांच हो गई एक उसके बाद ये तीन सब ब्रांच है प्रॉपर प्लानिंग अब प्रॉपर प्लानिंग से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे आपकी वर्किंग स्पीड बढ़ेगी आपका टाइम सेव होगा और आपकी एनर्जी और टाइम दोनों सेव होगा एनर्जी भी लिख सकते हो आप एफिशिएंसी भी लिख सकते हो अब हमने जो दूसरी मेन ब्रांच बनाई थी उसकी सब ब्रांचेस देखेंगे टाइम टेबल टाइम टेबल बनाने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो आपके चांसेस हैं एडवांसमेंट के यानी कि प्रॉपर टाइम पे सब आप काम करोगे तो आप आगे बढ़ोगे वर्क आउटपुट इंक्रीजेज आपका जो वर्किंग आउटपुट है कैपेसिटी है वो बढ़ेगी आप टाइम पर सब कुछ करेंगे तो आप ज़्यादा आउटपुट दे पाएंगे यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेयर टाइम और आपका जो एक्स्ट्रा टाइम बचेगा आप उसको भी प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं आप उसमें और कुछ कर सकते हैं कोई एक्टिविटी कर सकते हैं आप कोई बुक रीड कर सकते हैं जो भी काम आप कर रहे हैं उसके बाद जो तीसरी सब ब्रांच है वो देखते मेन ब्रांच है वो देखते हैं इम्प्रूवमेंट इंप्रूवमेंट कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट आप किस किस चीज़ का आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी जब आपका इम्प्रूवमेंट होगा तो आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी आपकी फर्म की फ्यूचर ओरियंटल ऑरिएटेड प्लान्स आप अपने फ्यूचर ओरिएटेड प्लान्स बना सकते हैं कि आप फ्यूचर में और क्या क्या करेंगे हो सकता है आप और ज़्यादा मतलब बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके आ जाएँ लाइक दैट तीसरा है इंक्रीजेज एफिशियसी और इसकी वजह से आपकी जो है वो एफिशियंसी भी बढ़ेगी आप और देखते हैं गुड रिजल्ट गुड रिजल्ट आएंगे तो क्या होगा रिड्यूसेज स्ट्रेस जब अच्छे रिजल्ट आएंगे तो आपका स्ट्रेस कम होगा आप खुश रहेंगे डिक्रीजेज हार्डवर्क और फिर हार्डवर्क कम हो जाएगा क्योंकि धीरे धीरे आप नए नए रिसोर्सेज को आप अप्लाई करेंगे ग्रेट अपॉर्चुनिटीज जब आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा आप खुश रहेंगे आपकी मार्केट में रेपुटेशन बढ़ जाएगी आप फ्यूचर ओरिएंटेड प्लान्स ले आएंगे तो आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी प्रोग्रेस करने की देखा तो इस तरीके से हमने प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट की पहले चार मेन ब्रांचेस बनाई और उसके बाद चार की जगह आप तीन भी बना सकते हो और उसके बाद उन ब्रांचेज की हमने तीन तीन सब ब्रांचेस बनाई तो यही माइंड मैप होती है आपको ये प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के लिए भी मिल सकती है किसी भी चीज के लिए मिल सकती है इसका एक और वर्जन हम देख लेते हैं सी इज प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट आई विल शो यू लाइक दिस प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट इसमें मैंने इसकी तीन मेन ब्रांचेज बनाई द फर्स्ट ईयर आई हैव रिट कंट्रोल कंट्रोल क्या क्या कर सकते हो आप मॉनिटर कर सकते हो कौन काम कर रहा है कौन नहीं काम कर रहा है एक्शन प्लान ले सकते हो आपकी कौन सा एक्शन कौन सा तरीका अप्लाई करके ज़्यादा आउटपुट निकलेगा कौन से तरीके से स्टाफ खुश रहेगा वो ज़्यादा वर्क अच्छे तरीके से काम करेगा आप फॉलो अप कर सकते हो मतलब कि कौन टाइम पे काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है कौन लेजी है कौन एक्टिव है किसका आउटपुट कितना है किसका रिजल्ट कितना है कौन फ्रूटफुल है हमारी फर्म के लिए ऑर्गेनाइज कर सकते हो किस किस को जो इंपॉर्टेंट टास्क है उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो जो अर्जेंट है उसे पहले किया जा सकता है और जो अनइम्पॉर्टेंट है जो लेस इंपॉर्टेंट है या फिर जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है उसको आप साइड कर सकते हो तीसरा आप प्लान कर सकते हो क्या क्या प्लान कर सकते हो आप अपना टाइम टेबल प्लान कर सकते हो आप सारे काम की लिस्ट है टास्क है उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो बिल्कुल जैसे मैंने आपको पीछे बताया आप पॉइंट्स अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज कर सकते हो इस क्लास ट्वेल्थ के पेपर के और अभी दो ये दो का पेपर है इसके सारे सभी सेक्शन के सॉल्यूशंस और अभी दो में जितने भी पेपर हो रहे हैं ट्वेल्थ के भी और टेंथ के भी सबके सॉल्यूशन आपको मेरे चैनल एम टू के साई पर डिटेल में मिल जाएंगे तो फॉर सच टाइप ऑफ अदर यूजफुल वीडियोज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एम टू के साई Thank you very much.